ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक करेंगे वाराणसी का, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं इस बीच सुनिए। दुनिया को निर्माण का संदेश दिया था तब बुद्ध युवा ही थे। आदि शंकराचार्य ने तो मात्र 32 वर्ष की उम्र पाई थी। देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर डाली, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना उन्होंने फिर से कर दी। महाराणा प्रताप ने जब पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा था उस समय महाराणा प्रताप की उम्र मात्र 27 वर्ष थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सबका इतिहास और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुजार सिंह, जोरावर सिंह क्या उम्र थी? 7, 9, 11, 14। ये कोई उम्र है, लेकिन देश के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। पूरी दुनिया के अंदर वैदिक संस्कृत का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे और जब उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था, जब लोग उनके बाने पर हंस रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने उद्घोष किया था। मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे और दुनिया को बताया था कि हमारा सनातन धर्म क्या है। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया था कि भारत क्या है, उन्होंने कहा था भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, भारत के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 18